बिहार के गया शहर के राजेंद्र मोहल्ले स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक का नेतृत्व बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने किया। इस बैठक में मगध प्रमंडल के गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा जिले की कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्हें चुनाव के संबंधित कई टिप्स दिए गए। इस मौके पर बिहार कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर मगध प्रमंडल में उनका 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। इस दौरान 2 दिन बैठक रखी गई है। पहले दिन मगध प्रमंडल के 5 जिले के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक हुई, वहीं अगले दिन सभी जिलों के प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि या कोई मायने नहीं रखता कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो दिल्ली में दंगा करने वाली ताकत को हम इस देश और राष्ट्र से भगाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भाजपा की भूमिका सकारात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के रहने वाले लोग भी दिल्ली के दंगे में मारे गए। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदना उनके प्रति है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शक्तियां देश में और आगे ना बढ़े, उसे रोकना हमारी प्राथमिकता है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी शक्तियां को बिहार और देश से बाहर किया जाएगा। मंडल स्तरीय दौरे जो है वो शुरू हुए हैं, इसमें 2 दिवसीय प्रमंडल प्रवास रहेगा और गया प्रमंडल में पड़ने वाले सभी जिला के हमारे जिला अध्यक्ष साथियों के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक चर्चा, और दूसरे दिन में पूरे प्रमंडल के अंदर सभी जिलों के जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक आधा आधा घंटे की, और उनके प्रखंडों के ऊपर संगठन की स्थिति, कहां कहां कमियां हैं, कहां कहां संगठन को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर प्रमंडल स्तर पे ये दौरे अभी रहेंगे और यही मुख्य उद्देश्य इस दौरे का है। क्या चुनाव को लेकर टिप्स कुछ दी जा रही है? निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों को लेकर के भी जो है ब्लॉक अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष साथियों के साथ चर्चा विचार विमर्श, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से चुनावी तैयारी का भी एक हिस्सा है। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2020 होने वाले हैं उसमें कांग्रेस कितने सीटों पर दावेदारी करेगी? देखिए, मैंने कल भी ये कहा कि देश का जो वातावरण है और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका दंगों के अंदर रही है, देश के अंदर माहौल बिगड़ा है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार के भी जो है लोग जो दिल्ली रह रहे थे उनकी भी मृत्यु वहाँ उन दंगों की वजह से हुई है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति भी है, परंतु ऐसी ताकतें आगे ना बढ़े देश के अंदर, उनको रोकना हमारी प्राथमिकता है। सीट बंटवारा इतनी प्राथमिकता नहीं है।